जो सरकार में बैठे ये सोच रहे हैं, या जो उनके संघी मित्र जो हमको अर्बन नक्सल कह रहे हैं या देशद्रोही कह रहे हैं, वो भूल जाए। ये लड़ाई किसानों के हाथ में है, इसको ना आप दबा सकते हैं ना कोई और दबा सकता है। बेहतर यही होगा कि आपके जो एडवाइजर्स हैं आपको थोड़ी सद्बुद्धि दे दें और आप ये तीनों काले कानूनों को रद्द कर दें, ताकि किसान भी आराम से घर वापस जाए और बाकी लोग भी आराम से अपने घरों में चैन की नींद लें। सत्ता में जो बैठे लोग हैं और खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उन्होंने ये सोचा था कि वो किसी भी आंदोलन को उसी तरह से बदनाम करके और उसको समाप्त कर देंगे। कल एक छोटी सी झांकी उन्होंने गाजीपुर में देखी है कि पुलिस फोर्स लगाने से और तरह तरह के लांछन लगाने से क्या हशर हुआ। ये साहिल उद्यान भी बहुत पहले कह गए हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो हम यहाँ पे यही कहने के लिए आए हैं कि जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है ये सारे देश के सामने है, जिस तरह बिका हुआ मीडिया एक खास नरेटिव को लगातार चला रहा है, जिस तरह कल से और आज तक जो बीजेपी आरएसएस अपने गुंडे भेज के हमले करवा रही है, चाहे वो सुबह का हमला सिंघु बॉर्डर पे हो या जो अभी कुछ देर पहले लोग टिकरी बॉर्डर पे भी पहुंचे हैं उसकी खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस चलते हुए आई है, या जिस तरह योगेंद्र यादव जी के घर पे जाके बेहूदगी की है लोगों ने, इस तरह से आप किसान आंदोलन को दबा नहीं पाते। आपकी सारी कोशिशें किसान आंदोलन को बदनाम करने की शायद इसलिए भी इस बार पूरी नहीं होगी कि जो लाखों किसान हमारी सरहदों पे, दिल्ली की सरहदों पे 2 महीने से बैठा है, वहां पे दिल्ली के नागरिक और मीडिया दोनों लगातार जाते रहे। आप किसको देशद्रोही कह रहे हैं, आप किसको खालिस्तानी कह रहे हैं? उन बूढ़े किसानों को जो 2-2 महीने से इस सर्दी में सड़क के ऊपर लेटे हुए हैं और सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो आप बगैर सोचे समझे 3 काले कानून लेके आए, या फिर ये कहना चाहिए कि बहुत सोच समझ के अडानी और अंबानी के गोदामों को भरने के लिए और उनकी पॉकेट में और पैसा भेजने के लिए जो आप 3 काले कानून लेके आए हैं उनको रद्द करने की डिमांड कर रहा है किसान। किसान तो आपसे और कुछ नहीं मांग रहा, और किसान ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये पूरे देश के लिए लड़ रहा। जो लोग अपने घरों में बैठे सिर्फ टेलीविजन की खबरें देखते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे गंद फैलाते हैं, जिस दिन उनको अपनी जेबों से 200 और 300 रुपए का अनाज खरीदना पड़ेगा, उस दिन शायद उनकी समझ में आएगा कि किसान किसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं जिस जगह रहती हूँ और जिन ग्रुप्स में मैं शामिल हूँ उसमें तरह तरह के मैसेजेस आते हैं और मुझे लगातार ऐसे कुछ लोग हैं जो भी संघ परिवार फैला रहा होता है वो सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं। उससे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज जो आजकल संघ परिवार पूरी जोर शोर से फैला रहा है वो ये फैला रहा है कि आप लोग अगर मोदी को गलत समझ रहे हैं तो ये मत समझिए कि मोदी की गलत है, असल में तो उन्होंने ये सब कुछ पर्दाफाश करने के लिए किया। मतलब ये कि उन्होंने किसानों को वहां तक पहुंचने दिया, इसके पीछे बड़ी सोच समझ की जरूरत थी। आप ये मत समझिए कि किसान वैसे ही बाहर पहुंच गए, और आपने मीडिया के दोस्तों को जिसको वो मैसेज चाहिए वो मैं आपको दे दूँ। बाकायदा खुल के कह रहे कि कोई परिंदा भी वहां पे पर नहीं पड़ा सकता था अगर हम नहीं चाहते तो, अगर सरकार नहीं चाहती। ये हम जानते हैं, इसमें हमारे लिए कोई, जो लोग लगातार आरएसएस को फॉलो करते हैं और संघ की नीतियों को और उनके तरीकों को जानते हैं कि उनके कितने घटिया तरीके हैं किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये नई बात है कि इसको एक चाणक्य नीति बताया जा रहा है। और जैसा शुरू में प्रशांत भूषण जी ने कहा और कल कई मीडिया जो सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं उन्होंने भी लगातार इस बात को उठाया कि किस तरह से किसान, जिनको हम कह रहे हैं कि जो एक हिस्सा जो टूट गया था, अलग हो गया था,
उसको आपने वहां पहुंचने कैसे दिया? वो भी रिपब्लिक डे के ऊपर क्या कर रही थी आपकी सिक्योरिटी, क्या कर रही थी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी? ये झगड़ा तो 25 की रात में हो गया था, रात के 1:30 बजे तक तो मेरी किसान लोग किसानों से बात हो रही थी, जो कह रहे थे कि इनको पूरी मनाने की कोशिश हो रही है लेकिन ये जत्थेदारों की बात नहीं मान रहे। तो आपकी इंटेलिजेंस के आधार खोद रही थी कि आपकी इंटेलिजेंस का काम ही ये है कि लोगों को भड़काएं और उनको कहें कि तुम ऐसा ऐसी कोई हरकत करो जिससे हम पूरे आंदोलन को बदनाम कर सके। और जो आप भर भर के लोगों को भेज रहे हैं, गुजरात मॉडल जो आपका है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि कामयाब हो जाएंगे तो इस बार नहीं हो पाएंगे। क्या कर लेंगे? कुछ लोगों को गोली मार देंगे, हमारे जैसे लोगों को आप, और हमारे बहुत सारे दोस्तों को आपने जेल में डाल रखा है, और को कुछ डाल देंगे। लेकिन ये किसान आंदोलन है जिसने 1857 में आवाज उठाई थी, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ के फेंक दिया था इस देश से, तो आपकी तो औकात ही क्या है?